अरे भैया ये तो बताओ, एमबी कॉलेज के लड़के ग्रीन सिटी की सड़कों पे क्या दिखलाई पड़ते हैं? क्या शहर के लोग सांझ ढले गौला पुल पे जाते हैं? काला ढूंगी और बरेली रोड, ठंडी सड़क या नवाबी रोड अब सुनसान रहती होगी। वर्कशॉप लाइन भी आजकल दुकानों के शटर गिरा के खामोश हो गई होगी। बात बड़ी मुरादों के जो हल्द्वानी को मॉल मिला है, वहां क्या आजकल कुछ रौनक रहती है? अरे मिस्टर ली का किचन तो कब से बंद पड़ा है, पर क्या क्रेजी किचन में चाउमीन मिल जाती है? सारे स्कूल शहर के सुने सुने दिखते होंगे, लोग अब मॉर्निंग वॉक को स्टेडियम नहीं जाते होंगे। कालू सिद्ध पे गुड़ चढ़ाने अब कहां कोई जाता होगा, स्टैंडर्ड की जलेबियां अब कौन खाता होगा? रामपुर रोड की चहल पहल कहीं खो गई होगी, फलों की वो दुकानें भी अब लापता होंगी। उसके थोड़ा सा आगे एक दोस्त की दुकान है, पता नहीं खुलती भी है या आजकल वीरान है। शनिवार के दिन अब तो बाजार नहीं लगता होगा, दुर्गा सिटी सेंटर में भी अब कोई नहीं जाता होगा। स्टेशन रोड से तिकोनिया को जाने वाली सड़क पे बरगद का वो पेड़ यकीनन तन्हा ही खड़ा होगा। स्टेशन का सन्नाटा देख के काठगोदाम कहता होगा, पता नहीं इस सीजन में कोई घूमने भी आएगा। राजपुरा या किदवई नगर, तल्ली बमौरी या हीरा नगर, अब कहां चहकते होंगे वो बनभूलपुरा राजेंद्र नगर। कोतवाली के आगे जो हमारे बजरंग बली हैं, तहसील के सन्नाटे को चुपचाप देखते होंगे। मटर गली और नया बाजार कुछ मोल भाव करने को कितना तरस गए होंगे। एसडीएम कोर्ट में भी अब तो लोग नहीं जाते होंगे। वकीलों के बस्तों पे आजकल ताले होंगे। कितने सालों तक मैं रहा हूं इस नगर में, कितने रंग देखे हैं मैंने इस शहर में। ये गौला का बेटा है, ये कुमाऊं का गहना है, लेकिन कुछ दिनों तक इसको बंद पड़े रहना है। आप सब मिलके इसकी हिफाजत करिएगा, मेहरबानी करके अपने घर में ही रहिएगा।